हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग द डाटा फ्रॉम कीबोर्ड या फिर यूज़र। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका जो डाटा है, जो वेरिएबल्स ले रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं आप डाटा के फॉर्म में, वो यूज़र से कैसे लें या फिर कीबोर्ड से किस तरह से लें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और प्रैक्टिकली इसे रन करा के भी देखेंगे एग्जाम्पल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग डाटा फ्रॉम कीबोर्ड या फिर यूज़र, और इसका यूज़ कहाँ आता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब में हम जो भी डाटा ले रहे थे वो खुद ऑटोमेटिकली ले रहे थे, प्रोग्राम खुद डिफाइन कर रहा था। मतलब कि आपका, अगर आपको जैसे एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, उसमें हम 4 डाल रहे थे, तो ये अपने आप हम डाल रहे थे, यूज़र कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अगर यूज़र को, मतलब आपने कैलकुलेटर बना दिया, सोचिए एक आपके पास एक छोटा सा कैलकुलेटर है, यहाँ पर वैल्यू एंटर करानी है, तो आप किस तरह से आप एंटर कराएंगे इस वैल्यूज़ को। जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने यूज़र ने क्या करवाया, 3 करवाया, फिर उसके बाद 4 करवाया, इन दोनों को प्लस करवा के एडिशन आपका कितना आएगा, 7 आपका एडिशन आ गया। तो ये कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो वैसे कैलकुलेटर हम फ्यूचर में बनाना देखेंगे, बट हम अभी देख रहे हैं कि इनपुट कैसे ले यूज़र से, है ना। तो यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस में हम बहुत यूज़ करने वाले हैं इसे, क्योंकि यूज़र ही सब कुछ देने वाला है, उसके हिसाब से आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आप एक इंटीजर बनाया है एज का, ठीक है ना, एक ब्लॉक बन जाता है एक एज नाम से, और उसके बाद आपका कुछ एड्रेस होगा उसमें और कुछ वैल्यूज़ होगी, कुछ भी हो सकती है, ABCD या फिर 46, 7 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ए और बी बन गया यहाँ पर, एक ए और एक बी का ब्लॉक बन गया, ठीक है ना। अभी आपका क्या करा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं एंटर योर एज, तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है, जैसे ये कंप्यूटर है, इसकी आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर योर एज, है ना, क्योंकि प्रिंट करा है, प्रिंट के अंदर कुछ भी करवाते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये वाला हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ये फर्स्ट प्रोग्राम में। तो ये जो आपका प्रिंट एफ कैसे काम करता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी लिख देंगे इस डबल कोट्स के अंदर, आपका प्रिंट हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन में, और नीचे क्या आएगा, योर एज, और एज में कितना लिख रहा है, 47, मतलब कि कोई भी कुछ भी लिखा हो सकता है, गार्बेज वैल्यू। तो ये भी हम इंटीजर डाटा टाइप में कवर कर चुके हैं, ये इंटीजर डाटा टाइप का है, और इसकी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और नीचे क्या आपका आएगा, योर एज इक्वल टू, और परसेंटेज डी की जगह क्या आएगा, एज की वैल्यू, मतलब एज की वैल्यू कितनी है आपकी, ये जो है इसकी वैल्यू है 47, ये आ जाएगी। अभी क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया। अभी हम कीबोर्ड से और या फिर यूज़र से किस तरह से लेंगे, तो इसके लिए भी आपके पास एक फंक्शन होता है, स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इनपुट लेने के लिए, अगर आपको एज एंटर करानी है, है ना, तो एज एंटर करानी है तो फिर कैसे कराएंगे, इसके लिए भी आप एक तो परसेंटेज डी लगाएंगे, यहाँ पर परसेंटेज डी क्यों लगाएंगे, अब वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कॉमा, वैसे आपका ये रहता है, ये आपका रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप क्या क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या करवा सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे परसेंटेज डी है, अगर आप यहाँ पर क्या करा रहे हैं, एज करवा रहे हैं, एज क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है ना। तो जैसे आपने लिखा एज, वो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए आप परसेंटेज डी लगाते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। अगर फ्लोट होता तो फ्लोट के लिए आप एफ लगाते, वो भी हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो है, अगर आपका करेक्टर होता तो उसके लिए आपका सी होता है। तो स्कैन एफ में अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो परसेंटेज डी आएगा, ठीक है ना। अभी आपका एक और चीज़ है, एक और चीज़ इंक्लूड हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग भूलते भी हैं इसे, ये जो डॉलर्स, ये आपका जो साइन है, एम्परसेंट साइन है, तो एम्परसेंट साइन आप लगाएंगे किसी भी वेरिएबल से पहले, ठीक है ना, एम्परसेंट एज या फिर एम्परसेंट ए बी सी डी, जो भी कुछ लगा सकते हैं आप।
तो यहाँ पर आपका लेना ये स्टार्ट अप कर देगा। जैसे ही अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा, पहले ये क्या करेगा, एंटर करवा देगा। सेकंड स्क्रीन बनाते हैं हम, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, एंटर योर एज, ठीक है ना, ये करेगा। इसके बाद आपका ये सेमी कॉलन आप लगाना ना भूलें। अब ये क्या करेगा आपका, यहीं पे कंप्यूटर जो है वहाँ पे रुक जाएगा। अभी यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, ये बार बार ब्लिंक करेगा जब तक आप कुछ एंटर नहीं कराएंगे, तो वो ब्लिंक आपका करता रहेगा। अगर आपने जैसे इसमें एंटर करा दिया, 21 एंटर करा दिया, जैसे ही आपने एंटर कराया तो एज की वैल्यू अब कितनी हो गई, यहाँ पर 21 हो गई है ना। और यहाँ पर नीचे क्या आने वाला है आपका, यहाँ पर आने वाला है योर एज इक्वल टू, एज की वैल्यू कितनी थी आपकी 21, तो यहाँ पे आएगी आपकी 21। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो आप एंटर करा सकते हैं यूज़र से, ठीक है ना। यूज़र से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को हम एंटर करा सकते हैं। तो ये आपकी कैलकुलेशंस में आगे बहुत यूज़ आने वाली है। तो ये जो आपका स्कैनर फंक्शन है उसको हम अभी रन करा के देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अभी आप अगर दो से ज़्यादा वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं या फिर दो वैल्यूज एंटर कराना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे स्कैन एफ, ठीक है ना। और यहाँ पर ए और बी दोनों स्कैन कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ पर आप कोट्स और यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है ना, फिर बी लिखेंगे, ये कॉमा लगेगा है ना। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, अगर दो वैल्यू एंटर करा रहे हैं तो परसेंटेज डी लगाएंगे है ना। अगर ये फ्लोट होता, कि सोचिए कि यहाँ पर होता एफ एल ओ ए टी फ्लोट सी, और तीनों को एंटर कराना चाहते थे हम, जैसे दो को एंटर कराना चाहते हैं, स्कैन एफ, ठीक है ना, ये आपका मेनली फॉर्मेट रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आप ए को और सी को एंटर कराना चाहते हैं, ए तो आपका इंटीजर है, बी जो सी जो है आपका फ्लोट है, उसको एंटर कराना चाहते हैं, उसको एंटर कैसे कराएंगे आप, परसेंटेज डी किसके लिए, इसके लिए, ये क्या है आपका इंटीजर है, परसेंटेज एफ किसके लिए, सी के लिए। तो इस तरह से आप एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर आप जो एम्परसेंट है वो लगाना ना भूलें, क्योंकि बहुत बार लोग उसे भूल जाते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी कोड ब्लॉक में रन करा के देखते हैं एग्जाम्पल को किस तरह से रन कर रहा है। तो ये प्रोग्राम हमने अपने कोड ब्लॉक पर लिख लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने इंटीजर ए और बी, मतलब कि दो इंटीजर डिफाइन करें। और यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, एक प्रिंट एफ लगा रहे हैं। प्रिंट एफ में क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद स्लैश एन, मतलब कि नीचे आ जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम स्कैन एफ करा रहे हैं, मतलब कि ए की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं, यूजर से एंटर कराएंगे, ठीक है। नीचे फिर से एंटर द वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद नीचे क्या लिख रहे हैं हम, स्कैन एफ लिख रहे हैं, मतलब कि बी की वैल्यू भी एंटर करा रहे हैं, और नीचे दोनों की वैल्यू को आप प्रिंट करा ले रहे हैं, जैसे कि ए है आपका, ठीक है। तो जो ए है वो किस में आ जाएगा आपका, परसेंटेज जी में आपका आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह बी के यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करा के देखते हैं कैसे चल रहा है ये, और चीज़ें समझ में आएंगी हमारे। बिल्ड एंड रन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे हमने स्कैन एफ कराया था, तो ये ब्लिंक हो रहा है। इसमें वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने 40 दे दिया। उसके बाद एंटर कराएंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मतलब कि जो दूसरा प्रिंट था, मतलब प्रिंट एफ जो था हमारा, वो आपका आ रहा है। इसके बाद हम इसमें 100 दे सकते हैं, कोई भी इंटीजर दे सकते हैं, उसको एंटर कराएंगे तो नीचे आपका देखिए लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 40 और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 100। तो अगर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो कंपेयर करेंगे तो आपका साफ साफ ये दिखेगा आपका कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला लिखा हुआ आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए,
इसके बाद नीचे स्कैनफ आ रहा है, तो ये नीचे आपने स्कैनफ करा था, ब्लिंक करा था। इसके बाद आपका एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पर आपका एंटर द वैल्यू ऑफ बी आ रहा है। इसके बाद 100 हमने प्रिंट कराया, और यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखा आ रहा है, परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी की जगह आपका क्या आ गया, यहाँ पर 40 आ गया, और ए और बी की आपकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी की वैल्यूज जो है वो प्रिंट यहाँ पर नीचे हो गई है। तो इस तरह से आप स्कैनएफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपका स्कैनएफ का छोटा सा यूज़ हो रहा है, आगे चल के हम स्कैनएफ का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज आपका सारे जो वैल्यूज़ हैं वो कीबोर्ड से होती हैं, कीबोर्ड से लेते हैं आप, मतलब कि आप यूज़र से सारी वैल्यूज़ लेते हैं, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ कराना है। तो हम वीडियोज़ में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं कि एडिशन हम कैसे कराएंगे, यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे उसका एडिशन कैसे कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे कराएंगे, और कीबोर्ड से प्लस आपका एक सॉफ्टवेयर भी बना के देखेंगे हम फ्यूचर में, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कैलकुलेटर का भी। तो आई होप आपको स्कैनएफ समझ में आया होगा, रीडिंग द डाटा फ्रॉम इनपुट्स, और कीबोर्ड से समझ में आया होगा यूज़र से कैसे लेते हैं। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all. So please comment, like, and share with your friends. Thank you.